वेलकम टू फूडीज फूड कोर्ट चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी, जिसे हम फ्राइड एग करी बोलते हैं। इसे बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले यहाँ हमने कढ़ाई में तेल लिया है, इसमें एक अंडे को फोड़ कर इस तरीके से रख देना है। इसे हल्का सा जब ये स्प्लटर हो जाएगा तो हमने इसके ऊपर नमक, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इस तरीके से इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद हमने इसे पलट देना है और दूसरे साइड को भी इस तरीके से अच्छी तरीके से पकने देंगे। 1 से 2 मिनट तक पकाकर आप निकाल लें। इस तरीके से इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी तरीके से हमने 4 से 5 अंडे को फ्राई कर लिया है। नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालना ना भूलें। इस तरीके से इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाकर पलट लेना है और दूसरे साइड को भी 1 से 2 मिनट पकने देंगे। इसके बाद से निकाल कर ट्रांसफर कर ले। अंडे फ्राई हो गए। इसके बाद हमने एक पैन में तेल लिया है, 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। साथ ही डाले खड़े मसाले, जिसमें हमने डाला है जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसे भूनने के बाद हमने इसमें 3 बारीक कटे हुए प्याज डाला है। प्याज को अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक भून लेना है। इस तरीके से प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकने देंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने 2 से 3 मिनट तक पकने दिया है, जब तक इसका कच्चापन पूरी तरीके से दूर ना हो जाए। इस तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लिया है। इसके बाद यहाँ हमने डाला है बारीक कटे हुए टमाटर, नमक, साथ ही डाला हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ हमने मसालों को टमाटर के साथ 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकने दिया है। बीच बीच में आप चलाते रहे। आप मसालों को जितनी अच्छी तरीके से पकाएंगे, ग्रेवी उतनी ही थिक और टेस्टी बनती है। मसाले अच्छी तरीके से भून गए, फिर हमने इसमें डाला है 1 कप के करीब पानी। पानी आप ज़्यादा ना डालें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी को डालने के बाद एक उबाल आने तक हमने इसे पकने देना है। इस तरीके से देखिए पानी में एक उबाल आ गया। फिर हमने इसमें फ्राई किए हुए अंडे को अच्छी तरीके से रख दिया है। धीरे धीरे करके रखें ताकि अंडे टूटे नहीं। फ्राई किए हुए अंडे को डालने के बाद हमने इसे ढककर 5 मिनट तक पकने दिया है। इसे ज़्यादा ना पकाएं। 5 मिनट तक पकाने के बाद लिड हटा देंगे। ये देखिए कितना टेस्टी एग करी तैयार हुआ है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। लास्ट में हमने धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट एग करी की रेसिपी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।